कल के मगरबी माहौल में शादी को नुक़सानद बैकवर्ड और एक ड्रामा समझा जाता है इन ख्याल से मुतािर सिर्फ ला मज़हब नहीं बल्कि मुसलमान भी हैं हम ऐसे लोगों को कैसे दलाइल से बता सकते हैं इस किस्म के, के फितने जो है दजाल ने फैलाने थे वो फैला रहा है जो फितना ये फैला रहा है कि खुदा कोई चीज़ नहीं है ऐसी उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है मज़हब से दूर होते जा रहे हैं और मज़हब को मानने को तैयार नहीं मज़हब को मजाक समझते हैं तो वो जो मज़हब के अहकाम हैं उनको भी नुकसानदेह और बैकवर्ड और फलां चीज़ें समझेंगे वो समझते हैं कि पार्टनर बना लिया और अपने दोस्त रख लिया और मियाँ बीवी की तरह रहे और जो बच्चे हो गए तो बस ठीक है या ना भी रहे तो जो गलत किस्म की गलतियाँ करनी है कर ली जाएँ इसका आज तो इनको पता नहीं लग रहा लेकिन आहस्ता आहिस्ता इसके नुकसान इनको पता लग जाएँगे कौमें तबाही की तरफ बर्बादी की तरफ़ जाती हैं और बखलाकी बुराइयों की वजह से बर्बादी की तरफ जा रही हैं और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा जब इनको रियलाइज़ हो जाएगा दस साल बाद आता है बीस साल बाद आता है वक्त लेकिन ये लोग समझ जाएँगे कि हम गलती पर थे मजहब से दूर हट के इसलिए आपने हाँ मज़हब की रोशनी में इनको बताते रहना है कि तुम लोग जिन बातों में पढ़े हुए हो वो गलत हैं और इसके नुकसान बहुत ज़्यादा होने हैं तुम्हारी आइंदा नस्लों में आज तो तुम मजाक उड़ा रहे हो कल को तुम्हें इस दुनिया में भी नज़र आ जाएगा और फिर जो अगला जहान हम तो इस बात पर यकीन रखते हैं कि मज़हब ही आदमी तो कि इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी है तो वहाँ जा जो अल्लाह ताली ने करना है वो एक अलहदा मामला है लेकिन ये दुनिया वाले इस दुनिया में भी देख लेंगे और ख़ुद अब इनको एहसास पैदा होने लग गया है कहीं कहीं आवाज़ें उठने लग गई हैं कि ये चीज़ें गलत हैं इस तरह नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप जो है वो गलत है और औरतों के साथ जो सलूक होते हैं वो गलत हैं बाज़ तो इस तरह की बातें जब उठने लग जाएँ तो इसका मतलब है एक बात उठी फिर कल को दूसरी बात उठेगी फिर तीसरी बात तो ऐसा ऐसा एहसास भी पैदा हो जाएगा लेकिन अगर नहीं होगा तो तबाही भी होगी इसलिए हमने अपना काम ये करना है कि उनको इस्लामी तलीम की रोशनी में बताते रहना है कि ये चीज़ें जो तुम लोग कर रहे हो यखलाकियात से भी गिरी हुई हैं और कौमों की तबाही की तरफ भी लेके जाती हैं और पहली कौमें इस तरह तबाह हुई भी हैं इसलिए बदलो अपने आप को यह ना समझो कि हमेशा की ज़िंदगी है एक शख़्स की ज़िंदगी तो ठीक है वो चंद साल से रहेगा और रैशी करके चला जाएगा लेकिन कौमों की ज़िंदगी इससे बर्बाद हो जाती है ठीक है तो दोबारा समझाना हमारा काम है समझाते रहना चाहिए जी वो न, आगे से कहते हैं कि जिस तरह तेज़ी से दुनिया बदल रही है माहौल बदल रहा है तो तुम लोग अभी भी उसी चीज़ को लेके चल रहे हो। जी दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया बकाये नस्ल के लिए कोई सिर्फ याशियों के लिए पैदा नहीं किया अगर ये ना होती तो दुनिया में आबादी भी ना बढ़ती अब इन लोगों को ख्याल पैदा हो रहा है ना फिर ये भी होता है कि वहाँ कहते हैं फिर बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है बाद मुल्कों में अब यह चल गया कि हमारी पॉलिसियाँ गलत थी बच्चे पैदा होने चाहिए बाद अगर बच्चे पैदा करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं और बच्चों को जब बड़े होते हैं तो उनके पेरेंट्स जो हैं उनका असर उस पर होता है यहाँ बल्कि इटली में ही पोप ने भी चंद दिन पहले बर्थ रेट क्राइसिस के बारे में कहा है बल्कि उन्होंने कहा है कि ये क्राइसिस की वजह से जो इटालियन कौम है वो कम हो जाएगी और एशियन इमिग्रेंट्स की वजह से या अफ्रीकन इमिग्रेंट्स की वजह से यहाँ इटली में वे भी गैरों का कब्जा हो जाएगा तो जो मजहब पे चलने वाले हैं वो फिर कब्ज़ा कर लेंगे कह ठीक है हम बैकवर्ड तो हैं लेकिन जो अल्लाह ताला के हुक्म है उसके मुताबिक चल रहे हैं बैकवर्ड नहीं है बल्कि अल्लाह का जो हुक्म है वो दुनिया में हमेशा से ही है सिर्फ आर्जी जो है याशी उसको मकसद ना समझो ज़िंदगी का मकसद बहुत बड़ा है इंसान को सबसे अशरफ मखलूक बनाया इसलिए कि उसमें अकल और दिमाग भी है अगर अकल और दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर उनका जानवरों की तरह असूल हो जाएगा बल्कि अब जानवरों को ही देख लो अब जानवरों में भी नस्ल चलाने के लिए ज़रूरी है अल्लाह ताला ने फितरत में रखा हुआ है हर जानदार की कि नस्ल को चलाने के लिए किस तरह उन्होंने आपस में जोड़े बनाने हैं इंसान की फितरत में यही रखा हुआ है कि तुमने जोड़े बनाने हैं शादी करके तो अगर इस पर नहीं चलेंगे तो ठीक है ना जोड़े बना के भी हो सकता है कि थोड़े से बच्चे पैदा कर लें लेकिन अमूमी तौर पर एक क्राइसिस में जा रहे हैं और वो अपने ख़ुद तस्लीम किया दो दिन पहले कि हम क्राइसिस में जा रहे हैं इटली में ठीक है तो इनको समझाओ इनकी अपनी दलीलों से समझाओ कि तुम लोग खुद ही कहते हो हमें क्या कहते हो हम तो मजहबी लोग हैं हम तो अल्लाह के हकम को मानेंगे क्योंकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताली ने इंसान को पैदा किया इबादत के लिए और एक दूसरे के हक अदा करने के लिए और अच्छे अखलाक के लिए और बकाए नस्ल के लिए और जब तक हम इस असूल पर चलते रहेंगे हमारी नस्लें भी चलती रहेंगी हम बेहतर भी होते रहेंगे और तुम लोग क्राइसिस का शिकार हो रहे हो और आइंदा एशियन और अफ्रीकन आके तुम्हारे पे कब्ज़ा कर लेंगे और तुम्हारी नस्लें भी ख़त्म हो जाएँगी और तुम देख रहे हो कि महसूस करना शुरू कर दिया है लोगों ने इस पर ख़ुद अपने तुम्हारे लोग बयान दे रहे हैं तो एक बैकवर्ड कहाँ से हो गए हम हम तो सही रास्ते पे हैं ये लोग जहालत की तरफ़ जा रहे हैं जो अपने आप को जानवरों की तरह सिर्फ खाना पीना सोना और जिनसी तल्लुक है उन्हीं को समझते हैं सब कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है अब अपना स्टैंड लें हमारा मज़हब सच्चा है और हम मज़हबी अमल कर रहे हैं इसलिए कोई ज़रूरत नहीं किसी से घबराने की बहस किया करें उनसे उनसे कहा तुम गलत हो हम सही हैं और तुम उसका नतीजा देख लोगे बीस पच्चीस साल बाद ठीक है हाँ हमने दुनिया दुन्य, हमने दुनिया को इसी तरह फतह करना है हमने दुनिया को फतेह करना है लजना ने भी करना है ठीक है घबराए नहीं हम चीज़ को सही समझते हैं हम उसको क्या करने का हमें हक़ है और हम करेंगे तुम इसको गलत समझते हो तो ना मानो लेकिन कल तुम्हें मानना पड़ेगा और इसकी शुरुआत शुरू हो गई है तुम्हारे अपना पोप का बयान ये इस बारे में आ गया है ठीक है और ख़ुद लिखने वाले जो अक्लमंद लोग हैं साइंटिस्ट हैं वो भी लिखना शुरू हो गए हैं ठीक है चलो फिर वक्त भी तो वक्त भी ख़त्म हो गया अल्लाह हाफिज़ साहब जजाकला हजूर जजाकला आपके टाइम का अल्लाम अल्लाम वरहमल वर्का